नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आई की समस्या। जैसे कि आजकल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टीवी पर लगातार अपनी आंखें गड़ाए रखने से आंखों से जुड़ी कई तरह की समस्याएँ बढ़ती जा रही है। उन्हीं में से एक है ड्राई आई की समस्या। ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए अब हम जानते हैं। उससे पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज की जीवन शैली में आँखों में सूखापन एक आम समस्या बन गई है, जिसका शिकार युवा वर्ग के लोग अधिक हो रहे हैं। पहले ड्राई आई की समस्या उम्र के साथ होने वाली परेशानी मानी जाती थी, लेकिन आज युवा वर्ग इससे सबसे अधिक परेशान है। इसके अलावा अब कम उम्र के बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित पाए जा रहे हैं। ड्राई आई सिंड्रोम में व्यक्ति को आँखों में सूखेपन का एहसास होने लगता है। यह समस्या तब होती है जब आँखों में आंसू बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। हालांकि ड्राई आई होने पर आँखों की रोशनी संबंधी कोई समस्या नहीं होती है, तो आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। फर्स्ट है आँखों में चुभन, जलन या खरोच का एहसास होना। सेकेंड है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है आँखों का अक्सर लाल रहना। फोर्थ है कॉन्टेक्ट लेंस पहनने में कठिनाई। फिफ्थ है रात के समय ड्राइविंग करने में कठिनाई। सिक्स है आँखों से पानी आना, यह जलन के कारण होने वाली प्रक्रिया है। सेवन्थ है धुंधला दिखाई देना। यह समस्या क्यों होती है, आइए जानते हैं। आंसुओं का उत्पादन प्रभावित होने पर यह समस्या होती है। आंसुओं के फिल्म की तीन परत होती है, जो आमतौर पर आँखों की सतह को चिकना और साफ रखने में सहायक होती है। इनमें से किसी भी परत में समस्या होने के कारण आँखों में सूखापन हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको धूल और प्रदूषण से बचाव करना चाहिए, और इसके अलावा कुछ उपाय भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पलके झपकाए। जब आप एयर कंडीशन वातावरण में काम करते हैं, तब वाष्पीकरण बढ़ने से ड्राई आई की आशंका अधिक होती है। हर 15 मिनट में 15 सेकेंड का ब्रेक ले और आँखों को बंद कर ले, इससे आँखें नम रहेगी। सेकेंड है पर्याप्त रोशनी हो। सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो। कंप्यूटर की स्क्रीन अत्यधिक ब्राइट न हो। कंप्यूटर और आँखों के बीच कम से कम 12 इंच की दूरी हो। थर्ड है पोषक भोजन। ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें विटामिन ए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, ब्रोकली आदि का आप सेवन कर सकते हैं। फोर्थ है तेज हवा से बचें। हेयर ड्रायर, कार हीटर्स, एयर कंडीशनर या पंखे की हवा को सीधे आँखों पर न आने दें। आँखों को तेज और सूखी हवा से बचाने के लिए आप सीट्स और आई ग्लासेस का इस्तेमाल करें। फिफ्थ है आँखों को आराम दें। पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो नियमित अंतराल पर विराम लें। लगातार काम से आँखों में जलन भी होने लगती है। कुछ मिनट या सेकेंड के लिए आँखों को बंद कर लें या बार बार पलकों को झपकाएं ताकि आंसू एक समान रूप से पूरी आँख में फैल जाए। सिक्स है धूम्रपान से बचें। यदि धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि धूम्रपान ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षणों को गंभीर बना देता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।